सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल बाल दिवस मनाया जाता है। बच्चे देश की सफलता और विकास की कुंजी हैं। जवाहरलाल नेहरू भी बच्चों से प्यार करते थे और हमेशा उनके बीच रहना पसंद करते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए। जब वे प्रधानमंत्री बने, उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा थी। बाल दिवस की नींव 1925 को रखी गई थी और 1953 में इसे दुनिया भर में मान्यता मिली थी। सर्वप्रथम बाल दिवस जिनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्व भर में अक्टूबर 1953 में मनाया गया था। भारत में पहली बार बाल दिवस 1959 में मनाया गया था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पहले तक 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। इसके बाद संसद में प्रस्ताव लाकर 20 नवंबर की जगह 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाने लगा। 14 नवंबर इस दिवस को मनाने के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति प्रेम और लगाव था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे लंबे काल तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व किया था। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखते हुए सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि हर साल 14 नवंबर को उनके जन्मदिन पर भारत में बाल दिवस मनाया जाएगा। दुनिया का सबसे सच्चा समय, दुनिया का सबसे अच्छा दिन, दुनिया का सबसे हसीन पल सिर्फ बचपन में ही मिलता है। चिल्ड्रन आर द मोस्ट प्रीशियस ऑफ गॉड्स क्रिएशन। दे स्प्रेड फ्रेग्रेंस ऑफ लव वेयर एवर दे गो एंड स्प्रेड जॉय एंड हैप्पीनेस इन एवरी सीजन। हैंडल देम टू केयर एंड लव। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।